इस्लामी तारीख के मशहूर तरीन सुल्तान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर पाकिस्तान और तुर्की मिलकर ड्रामा सीरीज बनाएंगे। 2022 के आगाज में पहली किस्त टीवी स्क्रीनों पर दिखाई जाएगी, जिसकी शूटिंग जल्द ही तुर्की में शुरू की जा रही है। बैतुल मक़द्दस और सलीबी जंगों के फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर बनने वाली मुश्तरका प्रोडक्शन में पाकिस्तानी और तुर्क अदाकार अपने फन के जौहर दिखाएंगे। पाकिस्तान और तुर्की की पहली मुश्तरका प्रोडक्शन पर बात करने से पहले, अगर आपने अभी तक पाक तुर्क न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको तमाम वीडियोस बरवक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, तुर्की और पाकिस्तान की पहली मुश्तरका प्रोडक्शन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होगी। इस्तांबुल के 5-स्टार होटल में पाकिस्तान के अंसारी एनशाह फिल्म्स और तुर्की की एकली फिल्म्स में मुआहदे की तकरीब हुई, जिसमें ड्रामा सीरीज का प्रोमो भी जारी किया गया। के एकली फिल्म्स के सीईओ और प्रोड्यूसर एमरे कोनाकी इससे पहले मशहूर ड्रामा सीरीज यूनुस एमरे, बयूक सलजूक और पाया तख्त अब्दुल हमीद बनाकर शोहरत की बुलंदियों को छू चुके हैं। एमरे कोनाकी ने बताया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी अजीम शख्सियत की जिंदगी पर ड्रामा बनाने की मुश्किलात से आगाह है, लेकिन बदलते हुए आलमी मंजरनामे में ये इस्लाम से मुतालिक गलत तासुर को दूर करने में अहम किरदार अदा करेगा। Kaşif Bey ve Cüneyt Bey ile bir vesileyle bir araya geldiğimizde iki coğrafya içinde çok kıymetli bir ülkeye aynı heyecanla, aynı aşkı duyduğumuzu fark ettik. Ve bugün ilan ediyoruz ki Akli Film ve Ansari Şah Film ortaklığında Selahattin Eyyubi dizisini hayata geçireceğiz inşallah. Tabii Selahattin Eyyubi hakkında çok fazla ve her dilde neredeyse akademik ve edebi metinler yazılmış bir tarihi şahsiyet. Biz de Akli Film olarak geleneklerinde tarihi dramalar olan bir şirketiz. Bu zamana kadar yaptığımız işlerde nasıl inceleyip sık dokuduysak Selahattin Eyyubi projesine de aynı hassasiyetle yaklaşacağız. Tabii Kudüs bizim gönlümüzün goncasıdır. Kudüs'ün İslam dünyası için olan önemini en iyi bildiğimiz işte sanatla yeniden tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Ben bu vesileyle kıymetli proje ortağım Kaşif Bey'e ve Cüneyt Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum ve sözü onlara veriyorum. अंसारी फिल्म्स के प्रोड्यूसर डॉक्टर काशिफ अंसारी ने कहा, हमने ऐसी ड्रामा सीरीज बनाने का फैसला किया है जिस पर हमारी मौजूदा और आने वाली नस्ल फख्र कर सके। जबकि डॉक्टर जुनेद अली शाह के मुताबिक ये ड्रामा सीरीज तुर्की और पाकिस्तान की सकाफत को एक दूसरे के करीब लाएगी। For this mission, this noble cause, and a great, great path to follow, which is the path of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we are proud to be here today. And inshallah ta'ala, this journey with Akli Films and my honorable partner, my guidant, my mentor, Mr. Emre Konak Bey. And Ahmad Bey, along with my partner Dr. Sayyid Junaid Ali Shah and my team members Adnan Siddiqui and Humayun Saeed, we will be walking this path together. I'll just take one extra minute of your time, and I would appreciate if you translate it to the media, who probably needs some help with your language skills. सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुसलमान और यूरोपीय ममालिक में मेहरबान सुल्तान के तौर पर भी पहचाना जाता है, जिसने मिस्र में अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। अय्यूबी सल्तनत में मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज और दयारे बाकर भी शामिल रहे। 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मसीही यूरोप की मुश्तरका फौजों को सलीबी जंगों में शिकस्त देते हुए 9 दहाइयों बाद दोबारा क़िबला अव्वल
बैतुल मक़दस को फतह किया और खून बहाए बगैर फतह मक्का के बाद फतह बैतुल मक़दस को भी रहती दुनिया तक मिसाल बना दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर बनने वाली ड्रामा सीरीज 3 सीजन पर मुश्तमिल होगी। पहले सीजन की शूटिंग जल्द तुर्की में होगी और पहली किस्त जनवरी में नशर होने की तवक्को है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से पहले अंसारी एंड शाह फिल्म्स ने तुर्क प्रोडक्शन के साथ तुर्क लाला के नाम से पहली मुश्तरका ड्रामा सीरीज बनाने का ऐलान किया था। तुर्क लाला ड्रामा सीरीज पहली पाक तुर्क प्रोडक्शन क्यों न बन सकी, इस पर जल्द अलग से वीडियो अपलोड की जाएगी। पाक तुर्क न्यूज़ की वीडियो देखने पर आपका शुक्रिया। हमारा साथ और हौसला अफजाई यूं ही करते रहें क्योंकि हम एक हैं।